हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीडी अकेडमी। होप सो बच्चे थोड़ी तैयारी बहुत वधिया चल रही होएगी। ठीक है, तो आज आप रीजनिंग का एक नवा टॉपिक शुरू करेंगे जिहदा नाम हैगा जी तुहाडा वेन डायग्राम। ठीक है, रीजनिंग का एक नवा टॉपिक है जी, तो तुहाडा इत्थों बेसिकली एक क्वेश्चन ना बन ही जाता हुंदा। ठीक है, सौखा जो टॉपिक है तो इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हैगा। ठीक है, ये बारे समझते पहले वेन डायग्राम हैगा की है। देखो वेन डायग्राम, ठीक है, वेन डायग्राम मतलब कि तुहाडा जिहड़ा ये चैप्टर है राजे वो डायग्राम्स के उपर आधारित है। ठीक है, वक्खो वक्खरियां डायग्राम्स तुहानू दित्तियां होणगियां ते उन्हां दे विच दित्ता होगा राजे तुहानू डाटा, कोई ना कोई इनफोरमेशन। ठीक है, कोई ना कोई जानकारी तुहानू दित्ती होगी ते उस जानकारी दे आधारित हुई तुहाडे तों प्रश्न पूछे जाणगे। ठीक है, तो सौखा जो टॉपिक है शुरू कर दें फिर आपां इहनू राजे। ठीक है, वेन डायग्राम जी, चलो जिवें तुहाडे कोले फस्ट स्लाइड जिहड़ी आ चुकी है, हुण इहदे विच देखो तुहाडे कोले ना कुछ क्वेश्चन दिते हुए ने ते नाल की दिता होया राजे तुहानू अपने कोले आकृतियां बनिया हुई ने। देखो पहली आकृति तुहाडे कोले की है जी, पहली आकृति दे विच अपने कोले की ने, तीन सर्कल्स ने। ठीक है, तीन सर्कल्स ने, वह एक दूजे दे नाल की कर रहे ने राजे, रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद तुहाडे कोले बी तुहाडे कोले एक डायग्राम दिती हुई है जिहदे विच दो दा आपस च लैण देण है, तीजे चीज़ दा इहदे नाल कोई लैण देण नहीं। फिर सी डायग्राम दिती हुई है जिहदे विच एक वड्डे सर्कल दे विच दो छोटे सर्कल ने, उसके बाद डी डायग्राम तुहानू दिती हुई है। ठीक है, तो यह कुछ डायग्राम दिती हुई ने, तो नीचे राजे तुहानू दिते हुए ने कुछ प्रश्न, इन्हां प्रश्नों नू आपां ने वेखना। ठीक है, ये प्रश्न जिहड़े दिते हुए ने इन्हां नू आपां पढ़दे हां ते फिर आपां इन्हां नू राजे देखांगे वी इन्हां प्रश्नों दे आधार दे उपर जिहड़े हैगे तुहाडे की जिहड़े हैगे किस किहड़े डायग्राम दे नाल इह रिलेट करनगे। हुण देखो जिद्दां सब तो पहला प्रश्न है राजे तुहाडे कोले, पहला प्रश्न तुहानू की कह रहा है, एलीफेंट्स, वुल्फ्स ते एनिमल। ठीक है, तीन शब्द दिते हुए ने, एलीफेंट हो गया, हाथी हो गया, ठीक है, वुल्फ हो गया अपना भेड़िया हो गया, ते एनिमल्स, एनिमल्स का मतलब की हुंदा राजे, जानवर होंगे। तो हूँ अगर इन्हों तिना शब्दों आपने एक आकृति के द्वारा दर्शाना हो इन्होंने आकृति है जी तो पहले प्रश्न का जोड़ा कि एक सही जवाब बनती है, ये चीज़ आप वेखनी है। ठीक है, की चीज़ा ने, एक एलीफेंट है जी, हाथी है, उसके बाद भेड़ी है जी, उसके बाद की दिता हुआ तो जानवर। ठीक है, अगर मैं इन्हें पंजाबी लिखा, हाथी इन्हां उपर दित्तियां हुईयां चारे आकृतियां दे विच्चों आपां केड़ी आकृति जिहड़ी हैगी है पहले प्रश्न दे लई सूटेबल रहिंदी है। हुण तुहाडी पहली आकृति की कहिंदी है, वी तिन्नां दा आपस दे विच लैण देण है जी। ठीक है, अगर देखो तो दूसरा जिहड़ा हैगा वी दो जणियां दा तां आपस दे विच लैण देण है, बट तीजा डिफरेंट है। हुण अगर उसके बाद सी तुहाडी जिहड़ी हैगी है एक आकृति है जिहदे विच कहिंदे एक वड्डा ग्रुप है जिहदे विच दो वाहन छोटे सब ग्रुप हो गए ते वाली हो गई, तो इहदे लई राजे एप्रोप्रिएट डायग्राम किहड़ी रहेगी इह आपां दस्सणा। ठीक है, तो इहदे लई सब तो वधिया जिहड़ी तुहाडी सब तो कि डायग्राम है जिन्हों आप रिप्रजेंट कर सकते तो इस क्वेश्चन डायग्राम के अगर रिप्रजेंट करना हो डायग्राम सूटेबल रहेगी तो ये रहेगी राजे थोड़ी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी देखो कि हूँ जो वाला सर्कल है राजे वे सर्कल की कंसीडर कर लिया अपने भी जानवर है पूरे दे पूरा जानवर समूह जिहड़ा आ गया तुहाडा इहदे विच आ गया। ठीक है, जिन्ने भी जानवर दे विच जिन्ने भी आउंदे ने सारे दे सारे इहदे विच आ जाणगे, तां इक वड्डा समूह नूं रिप्रेजेंट कर रहा है जिहदे विच आ जिहड़े दो तुहाडे छोटे छोटे सर्कल ने, इह इक सर्कल किहदे वाली हो गया तुहाडा हाथी दे लई हो गया ते दूजा जिहड़ा की हो गया राजे भेड़िए लई हो गया, ते दोने दे दोने जानवर ही ने ना, तां जानवर जिहड़ा की हो गया एक वड्डा समूह हो गया जिहदे विचों हाथी ते भेड़िया की आ गए दो इसदे पार्ट आ गए। समझ लग गई जी, तो इस पहले प्रश्न के लिए तुहाडा जिहड़ा की आऊगा उत्तर किहड़ा सही रहेगा जी, किहड़ी डायग्राम सही आजूगी राजे, ऑप्शन अपनी जिहड़ी है डायग्राम नंबर सी जिहड़ी है तुहाडी बिल्कुल सही है जी। ठीक है, अगे वेखते हैं, नैक्सट है राजे तुहाडा मैटल, आयरन ते क्लोरीन। ठीक है, तो तीन चीज़ा दित्ती हुई ने राजे, एक तो धात दित्ती हुई है, ठीक है, उसके बाद तुहाडा आयरन दिता हुआ लोहा ते क्लोरीन, तो ये तीन चीज़ा दित्ती हुई हैं। कहते अगर इन्हों तीन चार डायग्रामों के दर्शाना हो कि जोड़ा है बिल्कुल सही रहेगा ये आप दसना। ठीक है, तीन शब्द ने ध्यान देखो, एक तो हैगा राजे मैटल, ठीक है, दूजा की है तुहाडा आयरन, तीसरा की है राजे क्लोरीन, तो ये तीन शब्द ने। देखो इन्हों वास्ते जी है कि डायग्राम तुहाडी सही रहेगी, कि देखो मैटल ते आयरन का कोई आपस रिलेशन है चेक करो। ठीक है, धात आयरन एक धात ही तो है, ठीक है, तो मतलब इन्हों का रिलेशन है कि क्लोरीन का इन्होंने कोई लेन देन है, ठीक है, नहीं है ना,
चलो फिर हुण इहदे वास्ते किहड़ा जदों इस चीज़ का इन्हां दोनों नाल कोई लैन देन नहीं हैगा तां अजिही किहड़ी आकृति है जिहदे विचों तुहाडा जिहड़ा थर्ड फिगर जिहड़ी हैगी आ एक शब्द का दूजे नाल कोई लैन देन नहीं हैगा तां इहदे वास्ते बेस्ट रजे तुहाडा किहड़ी रह जूगी बी जिहड़ी तुहाडी डायग्राम हैगी आ उह इस प्रश्न नूं सही तरीके दे नाल दर्शा रही है। बी जिहड़ी तुहाडा देखो मैटल है, एक मैटल वड्डा ग्रुप है जिहदे विचों आयरन उसका एक हिस्सा है, ठीक है। होर भी काफ़ी मैटल्स आ जाएंगे जिहदे विचों आयरन उहदी इक टाइप है, तो क्लोरीन कोई आयरन या कोई भी मैटल नहीं हैगी तो वह की हो गया तुहाडा डिफरेंट चीज़ होगी, ठीक है। तो बी ऑप्शन का जिहड़ा सही उत्तर की आजूगा राजे, तुहाडा बी प्रश्न का सही डायग्राम कि आजूगी, तुहाडी बी डायग्राम ही इहदे लिए बिल्कुल सही रह जूगी, ठीक है। उस तो बाद चलिए अपन नैक्सट क्वेश्चन के उपर, अगे की आ गया जी तुहाडे हसबैंड वाइफ तो फैमिली, तीन शब्द ने रजे हसबैंड वाइफ ते फैमिली, कहते इन तिना शब्दों नू जे आपां डायग्राम के द्वारा दर्शाना होवे तां किहड़ी सही रह जूगी। होप सो तुहानू हुण समझ आन लग गया होगा थोड़ा थोड़ा, है ना। तो किहड़ी सही रह जूगी रजे, तो इहदे लई भी किहड़ी सही रह जूगी, है ना। तो सी डायग्राम है जिहड़ी बिल्कुल सही रह जूगी जिहदे विचों तुहाडा वड्डा सर्कल जिहड़ा हैगा उह पूरी फैमिली नू दर्शा रहा है, तो वाइफ ते हसबैंड जिहड़े कि ने इह कि ने दोने इसदे ही हिस्सा ने, ठीक है। तो की आजूगा तुहाडा सी दे लई रजे की आजूगी अपनी सी डायग्राम जिहड़ी हैगी है बिल्कुल सही बैठूगी। ए दे लई तुहाडी सी डायग्राम सीगी, बी दे लई तुहाडी बी डायग्राम ही सही सीगी, ठीक है। सी क्वेश्चन दे लई तुहाडी सी डायग्राम आ गई। उस तो बाद आ गया डी क्वेश्चन, डी क्वेश्चन की रह जी कह रहे रजे बस कार ते व्हीकल, ठीक है। बस कार ते व्हीकल इहदे लई किहड़ी डायग्राम जिहड़ी हैगी सूटेबल है, ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਰਹਿ ਜੂਗੀ। ਤਾਂ ਬੱਸ ਅਤੇ ਕਾਰ ਦੋਨੇ ਤੋਂ ਦੋਨੇ ਕੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਹੀਕਲ ਹੀ ਨੇ, ਵਾਹਨ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਾਹਨ ਦੀਆਂ ਹੀ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸਹੀ ਰਹਿ ਜੂਗੀ ਰਜੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਹੀ ਰਹਿ ਜੂਗੀ ਆਪਣੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵਹੀਕਲ ਹੈ, ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰ ਬੱਸ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਨੇ, ਉਸਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਰਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਈ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਪੋਟੈਟੋ ਅਤੇ ਕੈਬੇਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਸੰਪੂਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, है ना। पोटैटो की हो गया आलू, तो कैबेज की होगी तुहाडी गोभी, तो हुण ये दोनों किहदे लई किहड़ा सही रह जूगा, सारिआं दे इक्को जिहा आंसर आ रहा है ना, चलो कोई गल नहीं। तो ई जिहड़ा हैगा तुहाडा इहदे लई भी किहड़ा सही रह जूगा रजे, सी ऑप्शन जिहड़ी अपनी बिल्कुल सही रह जूगी, ठीक है। जिवें आपां कह दईए भी पोटैटो तो गोभी दोनों की ने, इसका ही एक पार्ट है, वैजीटेबल का ही एक हिस्सा है, सारे ज़्यादातर इक्को च ही आ गए, चलो ठीक है। ओके जी, क्लियर है रजे। तो फिर की हो गया तुहाडा ई क्वेश्चन का भी जिहड़ा सोल्यूशन हैगा वह भी तुहाडा की आ रहा रजे, सी पार्ट ही तुहाडा इसका आंसर आ रहा, ठीक है जी। चलो फिर अगले अगे नैक्सट क्वेश्चन होर देखिए अपना, ओके जी। चलो नैक्सट स्लाइड आ गई तुहाडे कोल, इत्थे फिर तुहाडे लई उदां दे ही कुछ चार तो पांच प्रश्न ने, तो वेखने आपां ने वी किहड़ा जिहड़ा हैगा तुहाडे लई इहदे विच सूटेबल रह जूगा, ठीक है। चलो चार डायग्रामां फिर दित्तियां होईयां ने रजे, देखो जी जिवें इहदे विच तुहाडा कि पहला अगर सर्कल आ गया उहदे उपर वड्डा सर्कल आ गया, उस तो बाद होर उपर वड्डा सर्कल आ गया, बी डायग्राम होगी तुहाडी, सी डायग्राम होगी डी। चलो देखिए फिर हुण देखो, सब तो पहला वैजीटेबल पोटैटो कैबेज ऑलरेडी कर हटिया रजे, वैजीटेबल पोटैटो तो कैबेज इहदे लई तुहाडा किहड़ा सही रह जूगा, बी ऑप्शन जिहड़ी हैगी है बिल्कुल सही रह जूगी, ठीक है। अगे वेखते हैं रजे, अगे की कहा जा रहा तुहाडा टेबल चेयर ते फर्नीचर, टेबल चेयर ते फर्नीचर, तो ये जिहड़े टेबल ते चेयर दोनों फर्नीचर का ही हिस्सा, तो इहदे वास्ते भी किहड़ी डायग्राम तुहाडी सही रह जूगी रजे, बी डायग्राम है जिहड़ी उह बिल्कुल की रह जूगी, सही रह जूगी। नैक्सट देखो अगे की आ गया तुहाडा, वीक आ गया, डे आ गया, तो ईयर आ गया, ठीक है। वीक डे ईयर, वीक हो गया तुहाडा हफ्ता रजे, ठीक है। उस तो बाद की हो गया तुहाडा दिन आ गया, दिन तो बाद इत्थे की आ गया अपना साल आ गया जी, ठीक है। तो फिर इहदे लई किहड़ी डायग्राम एप्रोप्रिएट रहूगी, इहदे लई रहूगी तुहाडी ए, ठीक है। दिनां तो की बनूगा रजे, दिनां तो की बनणगे हफ्ते, हफ्तियां तो की बन जाऊगा तुहाडा साल बन जूगा, जे आपां कह लईए महीने महीने तो तुहाडे की बन जाणगे साल बन जाणगे, तां इहदे वास्ते एप्रोप्रिएट किहड़ी डायग्राम रहेगी अपनी ए, तुहाडी जिहड़ी हैगी डायग्राम बिल्कुल सही बैठदी है। तां तुहाडा जिहड़ा सी क्वेश्चन है रजे, उहदे लई अपनी ए डायग्राम बिल्कुल सही बैठ रही है, है ना। नैक्सट आ गया जी तुहाडा स्केयर रिकटेंगल एंड पॉलीगन, स्केयर की हुंदा रजे, स्केयर की हुंदा तुहाडा वर्ग, ठीक है, मैथमैटिक्स दे विच भी करांगे इहनूं आपां। चलो रिकटेंगल की हुंदा जी आयत, स्केयर की हुंदा अजिही आकृति जिहड़ी पहली गल तां चार साइडां तों मिलके बनूगी, दूजी गल इहदियां चारे भुजावां बराबर होणगियां, ठीक है। चलो रिकटेंगल की हुंदा रजे, जिहदे आमणे सामणे दीआं भुजावां बराबर हुंदियां, जिहनूं पंजाबी च बोलदे आ आयत, ठीक है। जिहदी आमणे सामणे दीआं भुजावां एक दूजे दे बराबर हुंदियां ने उहनूं बोलदे रिकटेंगल। पॉलीगन,
और पॉलीगन नू की बोलते रहे। पॉलीगन का मतलब की होंगे, पॉलीगन थोड़ी हर एक आकृति जिहड़ी की तो मिलके बनी है रजे, जिहड़ी तुहाडे भुजावां तो मिलके बनी है, ठीक है। चाहे वह थोड़ी तीन भुजी कोई आकृति है, चाहे चार भुजी है, चाहे पांच है, चाहे छे है, चाहे सत्त है, अठ है, नौ है, दस है, डजंट मैटर। बट की है पॉलीगन थोड़े की उन्होंने कहा जाता, थोड़े फिगर्स कहा जाता है जेडे रेखावां तो मिलके बनते हैं, ठीक है। तो फिर जोड़ा स्केयर है, रैक्टेंगल है, यह पॉलीगन का ही एक हिस्सा है, ठीक है। तो इतने पॉलीगन शब्द तुम्हें मे भी नव सीखने मिला होगा। तो पॉलीगन की होंगे राजे, ये सारिया कृतियां आ जाएगा जीडिया की तो बनिया ने गियां तुहाडियां, आपां कहांगे साडियां साइड्स तो मिलकर बनिया ने, ठीक है। तो फिर ये भी जो है डायग्राम कि सही रह जूगी राजे, ये बी ही रह जूगी। तो जो वा सर्कल है उन्होंने आप कहोंगे पॉलीगन है जी, तो वो स्केयर तो रैक्टेंगल की ने, इसका ही की ने राजे, हिस्सा ने, ठीक है। चलो अगे चलिए नैक्सट, अगे आ गया थोड़ा केरला बिहार इंडिया। हूँ केरला की है जी, जी के पढ़ते हैं ना आप, केरला की है थोड़ी एक स्टेट आ गई, ठीक है। बिहार भी की आ गई अपनी स्टेट, कि स्टेट्स ने दोनों इंडिया स्टेट्स ने। तो आप कहोंगे एक इंडिया, इंडिया के केरला बिहार वो की आ गई स्टेट्स है, ये वास्ते भी थोड़ी जी बी डायग्राम हैगी राजे वो ही ये बिल्कुल सही आ जूगा, समझ लग गया जी, ठीक है। ये आ गया थोड़ा इसका सल्यूशन। इससे बाद चल रहे पर नैक्सट क्वेश्चन के वाल। हूँ अगला जोड़ा प्रश्न है ना उन्होंने ध्यान न सुनो की है जी, ठीक है। अगली टाइप शुरू हो चुकी है राजे अपनी। देखो ये प्रश्न थोड़े को है, अपने को अप्रोक्स इतने चार फिगर बने हुए हैं। एक तो थोड़े को ट्रायंगल है दिख रहा है ना अंदर, उसके बाद सर्कल है जी, तो उसके बाद इधर की पे थोड़े को स्केयर, तो उधर अपने को पाया हैक्सागन। हैक्सागन यानी कि छे आकृतियों तो बनने वाली डायग्राम, ठीक है। वो रिलेटेड देखो कुछ क डाटा तुम्हें सर्कल से दिता होया, कुछ क डाटा तुम्हें ट्रायंगल से दिता होया, कुछ के स्केयर से, कुछ के हैक्सागन के पाया। तो इन्हों पर आधारित ना अपने को पांच प्रश्न पे है, हूँ इन्हों सॉल्व करना तो देखना कि सोल्यूशन होगा। चलो पहला प्रश्न आप पढ़िए कि कहें, कहते अजिहिया संख्यावान जो सारिया आकृतियां आदि हो, अजिहिया किनिया संख्यावान ने जिड़िया कि अप्रोक्स सारिया ही तुहाडिया जिहड़िया हैगिया ने गियां सारे सारे फिगर्स के आ रहे हो, कोई अजिहा नंबर जरा सारे के सारे फिगर्स के आ रहा हो देखना, ठीक है। किन्ने फिगर ने चार है, तो अजिहा नंबर जोड़ा कि होगा चारे के चारे फिगर्स के आता होगा किगा रजे। देखो इतने थोड़ा चार हैगा सर्कल, चार है तो ये चार आ, देखो ये अजिहा कोई भी संख्या नहीं हैगी जी चारे फिगर चाहती हो। कारण सुनो क्यों, देखो जो आवला की है जी थोड़ा स्केयर है, तो हैक्सागन है, इन दोनों च आपस कोई अटैचमेंट नहीं हैगी, ठीक है। ये दोनों एक दूजे तो डिटैच ने गे, इन आपस कोई रिलेशन नहीं बनया, तो इन्होंने आपस कोई लेन देन नहीं ना है, कोई रिलेशन नहीं है, तो फिर अजि कोई संख्या होनी नहीं हैगी जी। ए च भी हो तो एच भी हो, अजिहा कोई साझा संख्या नहीं है, ठीक है। तो मतलब इतने अजे की हो गए थोड़ी कोई भी संख्या नहीं, अपन अजिहिया संख्यावान मिल जाएंगी जोड़िया दो फिगर्स चाह रही हूँ, अजिहिया भी मिल जाएंगी जोड़िया तीन चाह रही होनी, अजिहिया भी मिल जाएंगी जोड़िया एक चाह रही होंगे, बट अजि कोई संख्या ये अवेलेबल नहीं है जी चारे के चारे फिगर्स के आ रही हो। इतने पहले प्रश्न का उत्तर क्या होगा रजे, थोड़ा नो नंबर, ठीक है। ये क्या अजि कोई संख्या नहीं है जी कि सारिया आकृतियों के आता होप्शन क्वेश्चन के चार ऑप्शन दिखा हो, फिर तुसी कहोगे नन, कोई भी संख्या नहीं आ जिहड़ी सारिया कृतियां दे विच आउंदी होवे, ठीक है। नन मतलब कोई नहीं, समझ गए गल नूं। चलो नैक्सट क्वेश्चन की कह रहा है जी, तुहाडा उह संख्यावां जो कि सिर्फ दो आकृतियां विच आउंदियां हन उन्हां दा जोड़ पता करना। हुण आपां ने लैणे आ राजे सिर्फ उह संख्यावां जिहड़ियां कि ने तुहाडियां दो आकृतियां दे विच आ रही होणगे, ते बाद च उहनां दा की करना आपां ने जोड़ कढ के दिखाउणा, ठीक है। चलो देखिए फिर अजिहियां किहड़ियां संख्यावां ने जिहड़ियां सिर्फ दो आकृतियां दे विच आ रही होणा। चलो हुण जिद्दां आ गया तुहाडे कोल, देखो आ चार दिख रहा ना आपां नूं, चार की है तुहाडा, एक तां अपना स्केयर दे विच आ गया, एक सर्कल च आ गया, तो एक चार लै लिया मैंने, ये आपां सॉल्व कर रहे राजे तुहाडा दूजा क्वेश्चन, ठीक है। इहदी कैलकुलेशन इत्थे करांगे, चार आ गया, उसके बाद तुहाडा की आ गया दो आ गया, ठीक है। उसके बाद होर किहड़ा आ गया राजे, इधरों आ अठ आ गया, होर किहड़ा आ जूगा तुहाडा, आ छे आ गया, ठीक है। देखो सर्कल च भी आ रहा तो ट्राइंगल दे विच भी आ रहा, तो छे हो गया राजे। होर अपने कोल किहड़ी संख्या आ अठ, अपॉल जिहड़ी लैहट है नौ नहीं आऊगा क्योंकि तीन आकृतियां दे विच आ रहा, अपने की लै लिया तुहाडा, उसके बाद आ तीन नहीं आ सकया सकदा, ट्राइंगल च भी आ रहा, सर्कल च भी आ रहा, तो ए च भी आ रहा है ना, पांच छे नहीं आ सकते कल सर्कल के आ रहे हैं। तो इसके बाद यही अपने को संख्यावान ने रजे जिहड़ियां तुहाडे कोल किन्नी आकृति दे विच आ रही ने, दो आकृति दे विच आ रही ने, उसके बाद की कर देंगे इन्हों का
जोड़फल करन नू किया तो जोड़ दो, ठीक है। तो किन्ना बन गया तुहाडा 6 ते 6 12 हो गया, जे तुहाडा 12 ते 8 किन्ना हो गया 20 हो गया, तो सोल्यूशन की आ गया तुहाडा 20 आ गया जी। दूजे प्रश्न का उत्तर किया गया राजे 20। एक बार क्रॉस चेक ले लेने हैं भी वो संख्या में जिहड़ी सिर्फ 2 आकृति च आ रही होने, तो 4 हो गया इधरों, 2 हो गया ते फिर तुहाडे कोल इधरों 6 हो गया, ठीक है। इससे बाद तुहाडे कोल हो गया राजे 8 हो गया ना, तो फिर इन्हां नूं आपां जोड़ दांगे तो फिर इह तुहाडा जोड़ की बनता पिया 20। उसके बाद हुण आपां थर्ड प्रश्न ते थर्ड प्रश्न आपां नूं की कह रहा है, तीन आकृति वालियां आकृति विच आउण वालियां संख्यावां दा गुणनफल। तो हुण अजिहियां संख्यावां लैणियां ने जिहड़ियां तीन आकृति दे विच आ रहियां होण, ठीक है। चलो वेखिए फिर किहड़ी किहड़ी आ रही जी। चलो एक तां देखो तुहाडा आ पिया 3। हुण इहनूं ध्यान नाल देखो, देखो सर्कल च वी आ रहा, ट्रैंगल च वी आ रहा, स्केयर च वी आ रहा, समझ लग गई गल। उस तो बाद आ गया राजे तुहाडा वाला 9। देखो कि यह ट्रैंगल च वी आ रहा, हैक्सागन च वी आ रहा, सर्कल च वी आ रहा, तो 9 आ गया। होर कोई संख्या अजिही जिहड़ी तीन आकृतियां च आंदी पई होवे, तां होर अपने कोल अजिही कोई संख्या नहीं हैगी, तां गुणा करन नूं कह रहा जे गुणा कर दांगे तां सोल्यूशन की आ गया तुहाडा 27 आंसर निकलिया आ, ठीक है। समझ रहे हो गल नूं, तां आंसर की आ गया तुहाडा 27। नैक्सट आ गया जी तुहाडा अगला प्रश्न, अपने तीन वाला करता, हाँ तुहाडे तीन प्रश्न हो चुके ने राजे, चौथे प्रश्न की वारी है। अगला वेखदे आपां की कह रहे हैं, कहिंदे ओ संख्यावां जो सिर्फ एक ही आकृति विच आउंदियां हन दा जोड़फल, ओ संख्या जिहड़ी सिर्फ एक आकृति विच ही आ रही होण होर च ना आ रही होण उहनां जोड़ कढ़ना। हुण देखो किहड़ियां किहड़ियां आ जाणगियां, इहदे च तुहाडा 3 आ गया राजे, 1 आ गया, 3 प्लस 1, उसके बाद तुहाडा 5 आ गया, ठीक है। होर की आ गया, आ 7 आ गया राजे, होर आ 1 आ गया, होर इधरों आ 4 आ गया। अपने को अजिहियां संख्यावां ने जिहड़ियां सिर्फ एक आकृति दे विच ही आ रही ने। देखो 3 ते 1 कला तुहाडा स्केयर च ही आ रहा, इधरों 4 कला हैक्सागन च ही आ रहा, आ 5 7 1 कला सर्कल च ही आ रहा, होर किसी नाल च नहीं आ रहे, बस इन्हां नूं हुण जोड़ दांगे आपां, ठीक है। की गया तुहाडा 3 ते 1 की हो गया 4, 4 ते 5 किन्ना हो गया राजे तुहाडा 9, 9 ते जिहड़ा किन्ना हो जाऊ तुहाडा 7 की हो जाऊगा 16, 16 17, 17 ते 4 किन्ने हो गए अपने 21 आ गया, ठीक है जी। तो यह आ गया तुहाडा सोल्यूशन 5 12 12 5 17 17 4 21, ठीक है जी। तो आंसर आ गया तुहाडा 21। नैक्सट आ गया राजे फिफ्थ क्वेश्चन ते आ गया आपां, ओ संख्यावां दा गुणनफल पता करो जो सिर्फ 2 ही आकृति विच आउंदियां हन, 2 आकृति विच आउण वालियां संख्यावां दा गुणनफल। तां ओ संख्यावां लैणियां जिहड़ियां सिर्फ 2 ही आकृति च आ रहियां होणगियां, तां फिर की करांगे आपां, देखदे हां किहड़ी किहड़ी आ रही है जी तुहाडी गुणनफल कढ़ना। चलो पहले ही तां किहड़ा आ गया तुहाडा 6 आ गया, है ना। उसके बाद की आ गया, आप पहला इतने कड़िया भी सगिया वो संख्यावान जड़ियाँ 2 ही आकृति च आ रही हूँ, तो इतने पहला जोड़फल कड़िया सी, फिर इन्हों का हूँ गुणनफल कढ़ना, तो यही ले लो, ठीक है। 4 हो गया तुहाडा, ये संख्यावान हो गया राजे, वो संख्यावान का गुणनफल जो 2 ही आकृति के आ रही हूँ, तो 4 हो गया तुहाडा, इधरों 6 हो गया, इधरों 8 हो गया जी, ठीक है, इधरों आह तुहाडा 2 हो गया, ठीक है। तो यही वो संख्यावान ने, हूँ इन्हों की गुणा कर देने आप, 4 दुनिया 8, ठीक है, 8 8 किन्ने हो गए तुहाडे 64, तो 64 नूं करांगे राजे 6 नाल गुणा, 6 चौका 24, 32 ते 2 किन्ने हो गए तुहाडे 38, तो किन्ना आ गया सोल्यूशन 384। तो अपने पंजवें प्रश्न का उत्तर आ गया राजे 384, ये आ गया तुहाडा सोल्यूशन, ठीक है। होप सो समझ आ गया होना जी। चलो नैक्सट स्लाइड वाल चलते हैं, अगे फिर तुहाडा इदां दा ही एक प्रश्न है जी, ठीक है, जिहदे विच तुहाडे कोल 3 फिगर बने हुए ने, एक ट्राइंगल है, एक स्केयर है, एक सर्कल है जी, ठीक है। तो उहदे विच दित्ता होया तुहाडे कोल वक्खो वक्खो प्रकार का डाटा, कहिंदे ट्राइंगल दे विच की है जी, ट्राइंगल वाला जिहड़ा डेटा है वह किहनूं रिप्रजेंट कर रहा, वह स्कूल टीचर्स नूं रिप्रजेंट कर रहा, भी ट्राइंगल दे विच जिहड़े नंबर ने वह स्कूल टीचर वाले ने, ठीक है। उस तों बाद स्केयर, स्केयर आ गया तुहाडा मैरिड परसन। चलो सर्कल दे विच आ गया परसन लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली, मतलब अजिहे लोग जिहड़े एक संयुक्त परिवार दे विच रह रहे ने, उहदा एक हिस्सा ने, ठीक है। चलो पहला प्रश्न देखो की कह रहा तुहाडा, कहिंदे मैरिड परसन लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली बट नॉट वर्किंग एज अ स्कूल टीचर। ਆਪਾਂ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਰਾਜੇ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਰਿਡ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਟੀਚਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਾਟਾ ਉਹ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਰਿਡ ਵਾਲੇ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਲਿਵਿੰਗ ਵਾਲੇ ਫਿਗਰ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਵਾਲੇ 'ਚ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੰਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਕੇਅਰ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਲ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਟ੍ਰੈਂਗਲ 'ਚ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸਕੇਅਰ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰਕਲ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕਾਹ 'ਚ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਰਾਜੇ, ਟ੍ਰੈਂਗਲ 'ਚ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਕੇਅਰ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਲ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜੇ? ਡੀ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਡੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ
ठीक है ते तुहाडा जिहड़ा कि स्क्वायर चाहुंदा वो ट्रायंगल च ना होवे क्योंकि ट्रायंगल वाला डाटा की है भी वो बंदे जिहड़े कि ने स्कूल टीचर वजों काम कर रहे हैं ठीक है तो फिर इत्थे डी आ गया तुहाडा सोल्यूशन। नैक्सट अगे की कह रहे हैं परसन हू लिव इन अ जॉइंट फैमिली एंड अनमैरिड एंड हू डू नॉट वर्क एज अ स्कूल टीचर। हुण अजिहे बंदे जिहड़े जॉइंट फैमिली च तो रह रहे हैं पर ना तो नाले तो की है जी ना तो वह मैरिड है मतलब की है अनमैरिड है उससे बाद होर की क्या होया कहिंदे ना ही वह स्कूल च काम कर रहे हैं मतलब कि ना तो वह तुहाडा स्केयर दे विच आवे ठीक है ना वह तुहाडा की आवे जी टीचर दे विच आवे बस की चाहुंदा वी अजिहा डाटा लैणा जिहड़ा सिर्फ ते सिर्फ सर्कल दे विच आ रहा होवे होर किसी आकृति दे नाल उहदा कोई लेन देन ना होवे तो फिर अजिहा किहड़ा आ रहा राजे अजिहा आ गया तुहाडा ई। तो ई अपने कोल अजिही जिहड़ा हैगा परसन है जिहड़ा जॉइंट फैमिली दे विच तां जरूर हैगा ठीक है पर उसके बाद जिहड़ा की है जी ना तो वह तुहाडा की है मैरिड है तो ना ही की है तुहाडा वह स्कूल टीचर है यानी कि अनमैरिड है ठीक है समझ लग गई। इससे बाद आ गया तुहाडे कोल नैक्सट अगले दो प्रश्न ने यह भी तुहाडी उसी आकृति दे नाल संबंधित है पढ़ के चलते हैं। कहिंदे स्कूल टीचर होवे मैरिड होवे पर जॉइंट फैमिली च ना रहिंदा होवे ठीक है स्कूल टीचर होवे स्कूल टीचर वास्ते ट्रायंगल है मतलब ट्रायंगल च आउंदा होवे मैरिड है मतलब स्केयर च आउंदा होवे बस सर्कल च ना आउंदा होवे। देखो इधर की है तुहाडा ठीक है क्वेश्चन की सी अपना कहिंदे जी स्कूल टीचर होवे मैरिड होवे पर जॉइंट फैमिली च ना रहिंदा होवे मतलब सर्कल च ना आउंदा होवे अजिहा डाटा लैणा जिहड़ा ट्रायंगल च आ रिहा ते स्केयर च आ रिहा तो फिर अजिही किहड़ी संख्या हैगी राजे तुहाडी सी अजिही संख्या हैगी जिहड़ी की आ रही जी तुहाडा ट्रायंगल च भी आ रहा सर्कल च भी आ रहा बट तुहाडा स्केयर च भी आ रहा बट सर्कल च नहीं आ रहा तो इहदा आंसर की हो जूगा राजे तुहाडा सी अपना जिहड़ा आऊगा इसका तुहाडा राइट आंसर वन सैकेंड सी आ रहा सी ना ध्यान नाल देखिए हाँ सी तुहाडा इत्थे जिहड़ा की बिल्कुल सही उत्तर आ गया जी। उससे बाद आ गया राजे तुहाडा फिफ्थ क्वेश्चन ठीक है फिफ्थ क्वेश्चन की कह रहे कहिंदे स्कूल टीचर हो नेदर मैरिड नॉर लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली। स्कूल टीचर होवे मतलब की आ तुहाडा ट्रायंगल च आउंदी होवे ना तो मैरिड है तो ना ही जॉइंट फैमिली मतलब बाकी दे दो फिगर्स दे नाल उहदा कोई लेन देन च नहीं हैगा ना तो स्केयर च आवे ना सर्कल च आवे की च आवे सिर्फ ट्रायंगल दे विच आवे तो अजिहा डाटा लैणा राजे तो फिर अजिहा की आ गया तुहाडा एफ आ गया जी तो की सोल्यूशन हो गया राजे तुहाडा एफ इहदा की आ गया उत्तर ठीक है भी ना तो की होवे अपना तुहाडा कह दिए भी आपां कह दिए भी ना तो तुहाडा मैरिड है तो ना ही जॉइंट फैमिली च है मतलब कि ना तो वह तुहाडा स्केयर च आना चाहिए ना सर्कल च आना चाहिए स्कूल टीचर जरूर होवे मतलब कि ट्रायंगल च जरूर आउंदा होवे तो फिर अजिहा किहड़े नंबर है राजे तुहाडा अजिही तुहाडा लैटर आ रहा एफ जिहड़ा ट्रायंगल च ही आ रहा बाकी होर किसी फिगर नाल उहदा कोई लेन देन ठीक है। तो इदा के प्रश्न होंगे राजे थोड़े वैन डायग्राम के ठीक है होप सो तुम समझ आए हो अगर नहीं कुछ समझ आया तो बच्चे तुम दस सकते हो ठीक है तो इस राजे ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है। नैक्सट वीडियो के आप होर एक नवे टॉपिक डिस्कस करा जी तो अज्ले राजे इन्ना ही धन्यवाद जी ठीक है जी।